बिहार स्टेट ऑटो चालक संघ के आह्वान पर शहीद चौक के समीप जिला ऑटो एसोसिएशन कटिहार के बैनर तले कन्वेंशन का आयोजन किया गया, जिसमें 20 सूत्री मांगों को लेकर 28 और 29 मार्च को 2 दिवसीय हड़ताल का आह्वान किया गया। कन्वेंशन में महंगाई पर रोक, नया ट्रांसपोर्ट कानून 2019 को वापस लेने, बिना राशन कार्ड के 2022 तक प्रति व्यक्ति 10 किलोग्राम खाद्यान्न की आपूर्ति, सभी असंगठित परिवहन कर्मियों को 7,500 प्रति माह का भुगतान, पेट्रोल और डीजल जीएसटी के दायरे में लाया जाए, राज्य सरकार बैंक के माध्यम से स्वरोजगार के लिए वाहनों की खरीद के लिए ऋण की व्यवस्था करे, जैसे मांगों को रखा गया। दिल्ली में काम करता है, हमारा भी दफ्तर दिल्ली में काम करता है, हम किसी से कम नहीं है, इसलिए हमने कहा तो तमाम लोगों को होगा के बाद कन्वेंशन में भाग लेने वाले व्यक्ति के लिए नहीं है, ये कटिहार जिला में रोजगार करने वाले, ऑटो चलाने वाले, ई रिक्शा चलाने वाले, टैक्सी चलाने वाले, बस चलाने वाले, ट्रक और ट्रैक्टर चलाने वाले, रोक लगाई जाए वो महंगाई आपके लिए भी है और उनके लिए भी है, इसलिए अपने जिला में दिखा देना है ये 2 दिवस के हड़ताल में एक भी किसी भी गाड़ी का चक्का नहीं है और ध्यान बनाना है तो पूरे बिहार का सिस्टम का देखेगा क्या भाई कटिहार आगे बढ़ के हिस्सा लिया और जो कि हमारा संगठन हम लोग बाप बनाया और बेटा डमरू बजाया वो संगठन सही है। हमारा इन मांगों की पूर्ति के लिए बिहार स्टेट ऑटो चालक संघ के आह्वान पर 2 दिवसीय हड़ताल पर जाने का फैसला किया है। बता दें कि कन्वेंशन की अध्यक्षता जिलाध्यक्ष वारिस हुसैन ने की, जबकि कन्वेंशन में मुख्य अतिथि के रूप में प्रदेश महासचिव राजकुमार झा मौजूद थे। इसके अलावा मौके पर ऑटो चालक, ई रिक्शा चालक, बस चालक सहित अन्य वाहनों के चालक कन्वेंशन में भाग लेने पहुंचे थे। बता दें कि बढ़ते पेट्रोलियम के दाम से ऑटो चालक काफी परेशान है, साथ ही कई तरह के पाबंदी के कारण लोगों के सामने परिवार को चलाना भी काफी मुश्किल हो गया है, जिसके कारण सभी चालकों का सब्र का बांध टूट चुका है और सभी ने एक स्वर में कन्वेंशन में अपनी बात को रखा है। जहां सरकार के खिलाफ अपनी नाराजगी जताई चालकों की माने तो सरकार हड़ताल के बाद भी मांग को पूरा नहीं करती है, तो आगे बड़ा आंदोलन करने की तैयारी की जा रही है। पर सवाल है कि आंदोलन के बाद क्या चालकों की समस्या खत्म हो जाएगी, लेकिन इतना तो साफ है कि हड़ताल से आम लोगों को काफी परेशानी होने वाली है और लोग अपने निश्चित स्थान पर जाने के लिए काफी परेशान होंगे। डरने वाले नहीं, तूफान है उसे कह दो अपनी औकात में रहे। हमारा बिहार स्टेट ऑटो चालक संघ, ऑल इंडिया रोड ट्रांसपोर्ट वर्कर फेडरेशन, कटिहार जिला ऑटो एसोसिएशन, 28 29 मार्च को एक गाड़ियां पूरे देश में सड़क पर नहीं आएगी, चलेगी नहीं। ये महंगाई के खिलाफ और 2019 जो विधेयक मोटर वाहन लाया गया है, काला कानून, हम इसको नहीं मानते हैं, सरकार इसको पूरी तरह वापस ले और बाकी हमारे नेता ने कहा। आपको ये रिपोर्ट कैसी लगी हमें कमेंट कर जरूर बताएं। ऐसी तमाम अन्य जानकारियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।